हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का रिविजन का तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिए हैं एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है पाटिल हॉस्पिटल बुल्ढाना की और उसके हेल्प से हमको प्रिपेयर करने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। मतलब है ना 31 मार्च 2016 का हमको है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और इसके साथ हमें बैलेंस शीट भी सेम डेट की हमको प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2016 की। नाउ यहाँ पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है वो है ना 31 मार्च 2016 का दिया है तो ये करंट ईयर की ही हमें है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड साथ में यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए इसका मतलब हमको बैलेंस शीट है ना ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो मतलब हमको या तो कैपिटल फंड निकालना होगा या कैपिटल फंड का अमाउंट दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको लास्ट में कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज ₹8,64,000 दिया है। इसका मतलब है ना हमें ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट जो है, मैं इस तरीके से रीड क्यों करती हूँ क्वेश्चन को, ये आप लोगों को भी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए कि भाई आपको क्या क्या इन्फोज दिए हुए और इसके किसके बेसिस पे आप है ना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट दिए नहीं है तो जो पहले से जो है ना पुरानी बैलेंस शीट में मतलब जो भी है ना हॉस्पिटल ने जो इन्वेस्टमेंट्स किया था, हॉस्पिटल की जो लैंड है यहाँ पर या कोई लोन वगैरह है या कोई उसके एम्बुलेंस, यहाँ पर ऑब्वियसली है ना एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए क्या एसेट्स होगा तो ये सब इन्फॉर्मेशन है वो हमको चाहिए रहेगी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दिए तो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में जरूर हमको है ना इन्फो दिए रहेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर एज वेल एज कैपिटल फंड को। अभी यहाँ पर जो है इसके हिसाब से अभी हम मूव करेंगे कि भाई कौन से कहाँ पर जाने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में जो दिए हुए हैं इन्फोर्स वो कहाँ पर अमाउंट्स जाने वाले। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है इसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती, इसको हमें कैंसिल कर देना, ये नहीं चाहिए हमको। देन यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो 2014-15, तो हमारी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो 2015-16 की है। मतलब ये 2014-15 मतलब है ना प्रीवियस ईयर का है तो ये रिसीव हो गया है तो इसको हमको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसे हमें कहीं पे भी दिखाना नहीं, ये अमाउंट हमारे लिए कोई काम का नहीं है 30,000 का। नाउ यहाँ पर है ना 2015-16 का दिया हुआ है 3,80,000 तो इसको हम इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं बाय सब्सक्रिप्शन कर 3,80,000 का हमको लिखना होगा। एंड ये जो 2016-17 का दिया है मतलब ये एडवांस रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, एडवांस में रिसीव होता है सब्सक्रिप्शन तो मतलब ये जो अमाउंट है देखो ये 60,000 है ना इस करंट हम क्या कर रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट को यूज नहीं कर रहे, ये जो 4,70,000 इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठा रहे हैं इनकम के अंडर में दिखा रहे हैं एंड ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसको हमें लायबिलिटीज के अंडर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कर 60,000 हम दिखा देंगे। तो मतलब हमको है ना कुछ भी यहाँ पे है ना सब्सक्रिप्शन में ये जो 3,80,000 से कोई भी हमको है ना ना तो लास्ट ईयर का कुछ एडजस्ट करना है ना ही हमको करंट ईयर नेक्स्ट ईयर का कुछ एडजस्ट करना है क्योंकि हम यही अमाउंट लेने वाले हैं 3,80,000 का तो इनकम के अंडर में हम करंट ईयर का ही ले रहे हैं 3,80,000। फिर यहाँ पे ये डोनेशन दिया हुआ है तो हमको देखना है कि डोनेशन के बारे में क्या बोला है, ये किसी से पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोनेशन है क्या, अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो वो लायबिलिटीज के अंडर में जाता है और कोई भी स्पेसिफाइड डोनेशन नहीं है मतलब किसके लिए डोनेशन है तो फिर ये है ना इनकम के अंडर में जाता है। तो अभी हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स में। फिर यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस को लेकर, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को लेकर भी हमें देखना है कि भाई इससे रिलेटेड कुछ कैपिटलाइज वगैरह करने बोला है तो ठीक है, नहीं करने बोला है तो फिर ये इनकम के अंडर में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे एंड फिर नोटिस करेंगे चीजों को। देन हॉस्पिटल रिसिप्ट और यहाँ पे है ना आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो रिसिप्ट है ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर ये कैपिटल लिखा होता तो फिर ये
इसमें कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू लिखा है तो मतलब ये हॉस्पिटल रिसिप्ट है, तो इसको हम इनकम के अंडर में 6 लाख को लिखेंगे। फिर यहाँ पेमेंट्स के अंडर में आते हैं तो मेडिसिन, तो ये है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में जाएगा। देन ऑनोरेरियम, ये जो ऑनोरेरियम है यहाँ पर जो ऑनोरेरियम हमको दिया हुआ है, तो ये जो ऑनोरेरियम का हमें क्या करना है, ये वाला हमको है ना एक्सपेंडिचर्स के अंडर में लेना है, क्योंकि इसका मतलब ऑनोरेरियम मतलब ये डॉक्टर्स को है ना फीस दी हुई है, तो उसका है सर्विसिंग के लिए जो सर्विस देने के लिए प्रोवाइड करने के लिए जो फी पेमेंट किया है, तो इसको हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना है। देन एम्बुलेंस मेंटेनेंस दिया हुआ है, तो ये जो एम्बुलेंस का मेंटेनेंस है मतलब उसका रिपेयरिंग चार्जेस, तो इसको हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में लेना होगा। देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स परचेस, तो हॉस्पिटल के जो लिए जो इक्विपमेंट्स परचेस किए गए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, औजार जो यूज होते हैं, तो वो क्या थोड़े से समय के लिए नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म चलते, तो ये मतलब है ना एसेट्स के अंडर में जाएगा, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एसेट्स के अंडर में लेके जाना है। देन फर्नीचर परचेस्ड, तो फर्नीचर परचेस्ड को भी हमको है ना एक्सपेंडिचर्स के अंडर में लेके जाना है। फिक्स डिपॉजिट जो दिया है वो भी एसेट्स के अंडर में जाएगा। एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस को हमको यूज करना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम यूज करेंगे एसेट्स के अंडर में, इसको हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16, तो ये 2015-16 तो करंट ईयर है, तो मतलब ये 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो 3,80,000 हम है ना इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं, तो ये इनर कॉलम में लिख लेंगे और इसमें हम है ना ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 का जो करंट ईयर का है, और फिर इसको हमें एसेट्स के अंडर में, सेकेंड इफेक्ट इसका एसेट्स के अंडर में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर वर परचेस्ड, ये जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो पेमेंट्स में दिखाई दे रहा है 1,20,000 का, और ये जो फर्नीचर है 1 लाख का, तो वो क्या बोला है कि ये कब परचेस हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 2015 को परचेस हुआ है, ऐसे कहा है कि भाई 1 अक्टूबर 2015 को परचेस हुआ है, मतलब है ना आगे यहाँ पर बोला है कि एंड बोथ द एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड, और दोनों भी एसेट्स को, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर दोनों को भी। अब देखो मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे कि भी पेमेंट्स में जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स है कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो आपको हिंट मिल गई कि ये एसेट्स है, तो पूरे क्वेश्चन पे नजर घुमानी है, कभी कभी कंफ्यूजन है वो है ना क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने पे हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये 20% का जो डेप्रिसिएशन है हॉस्पिटल पे एंड फर्नीचर पे दोनों पे भी है ना कैलकुलेट करना होगा हमको 20% का, और 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2016 तक है ना 6 महीना होता है, तो 6 महीने का मतलब आधे साल का हमको कैलकुलेट करना है 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और फिर है ना हमको इन हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर परचेज में से माइनस करेंगे हम 20% का डेप्रिसिएशन, और है ना इसका सेकेंड इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए लाइफ मेंबरशिप को लेकर बोला कि लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड होना है, तो मतलब ये हमें ना कैपिटल फंड में 1 लाख ऐड कर देंगे, इसको हमको इनकम के अंडर में रखने की जरूरत नहीं है। देन डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन रिप्रेजेंट मतलब डोनेशन है ना वो किस लिए दिया गया, डोनेशन इज स्पेसिफाइड डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड के लिए दिया हुआ डोनेशन है, तो ये जो डोनेशन 2,20,000 का हमको दिखाई दे रहा है रिसिप्ट के अंडर में, ये भी हमें ना लायबिलिटीज के अंडर में पूरा का पूरा अमाउंट दिखा देंगे बिल्डिंग फंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड करके 2,20,000 का। देन यहाँ पर बोला कि स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 30,000 रुपीज, तो यहाँ पर है ना पेमेंट्स के अंडर में कोई सैलरी को लेकर नहीं है, स्टाफ सैलरी को लेकर है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इसको हमको क्या करना है, एक तो इफेक्ट हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में टू आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी 30,000 दिखाएंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे हम है ना फाइनल अकाउंट में कैसे करते हैं सेम ही हमको ये एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देने हैं, कोई है ना हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 2015 द हॉस्पिटल हैड, हॉस्पिटल के पास कौन कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज थे वो दिए हुए, तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड दिया है तो एसेट्स में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा, देन यहाँ पर बैंक लोन है तो लायबिलिटीज के अंडर में, एंड एम्बुलेंस है ना एसेट हो गया, एम्बुलेंस व्हीकल है तो ये व्हीकल है वो एसेट हो गया हॉस्पिटल के लिए, तो ये भी एसेट के अंडर में जाएगा, एंड कैपिटल फंड को हमको लायबिलिटीज के अंडर में लिखना होगा 8,64,000 को। फिर सारे एडजस्टमेंट्स के बाद हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वो क्लोज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि भी कौन सा सरप्लस आया है कि डेफिसिट आया है, एंड उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के बाद में हमको बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखना। क्वेश्चन है ना हमेशा सुनना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जाता है, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो भी सुना कीजिए, नहीं तो फिर आपके पास एम्पल ऑफ बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मिस ये कैसे वो कैसे, तो बेटर है कि आप पूरा ध्यान से सुनो और फिर है ना आप सॉल्व करो। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट सेट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हमको ओपनिंग बैलेंस को यूज नहीं करना होता है, कैश बैलेंस को, एंड ये जो है ये भी हमारी यूजफुल नहीं है क्योंकि ये रिसीव हो चुका और इसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिसीव हो चुका है। तो हमको है ना यहाँ करंट ईयर में इसको नहीं दिखाना है। फिर ये अमाउंट हम यूज करें तो इसको हम इनर कॉलम में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तो इनकम साइड में, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आना है इसीलिए तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे। तो ये करंट ईयर का मतलब आपको कैसे पता चलेगा, ये 2015-16 है तो यहाँ पर 2016 दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये 2016-15 ये सी वाई करंट ईयर हुआ, ये एल वाई मतलब लास्ट ईयर, एंड ये एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो हमको करंट ईयर का अभी फिलहाल है ना इनकम में लिखना है, एंड जो नेक्स्ट ईयर का होता है वो लायबिलिटीज के अंडर में हमको दिखाना होता है। तो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन और इसको हम है ना लिख देंगे आउटर कॉलम में, नहीं लिखना है हमको इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखना है। तो 3,80,000 जो दिया है, 3,80,000 को इनर कॉलम में यहाँ पर 3,80,000 वन लाइन लीव करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जैसे है ना डोनेशंस के बारे में, तो हमको कहा कि भाई डोनेशंस क्या है, हमने एडजस्टमेंट रीड किया, यहाँ पर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमको मूव करना है राइट बिल्डिंग फंड। तो ये पूरा का पूरा लायबिलिटीज के अंडर में जाना है, तो इसको हम लायबिलिटीज के अंडर में क्वेश्चन पेपर में आप रीड करने के टाइम पे उसी समय पर इमीडिएटली मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम है ना कैपिटल फंड के लिए हम स्पेस रख देते हैं कैपिटल फंड, एंड कुछ लाइन्स लीव करने के बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डोनेशन। अगर यहाँ पे है ना स्पेसिफाई नहीं करते कि डोनेशन किस चीज के लिए है तो हम इनकम के अंडर में ही लिखते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अमाउंट चला जाएगा आउटर कॉलम में। तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया हुआ है 2,20,000, तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली हम 2,20,000 लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी यहाँ पे एसेट्स में बोला भाई कैपिटलाइज्ड कर दो, तो ये मतलब इसको डायरेक्टली हमको इसको इनकम के अंडर में हमको दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, इसको पहले हम लोग है ना इनकम के अंडर में इनको दिखाते हैं। या तो एक हैबिट बना लो कि आप जैसे डोनेशन को अपने इनकम के अंडर में लिखना और फिर वहां से पूरा कैपिटलाइज कर दिया, तो ये हैबिट भी बनाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 50% कैपिटलाइज्ड होता है। नहीं तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको डायरेक्टली अगर है ना लाइफ मेंबरशिप फीस, तो इसको डायरेक्टली आप है ना इसमें कैपिटलाइज करने बोला है, तो मतलब आप डायरेक्टली कैपिटल फंड में लेके जाके इसको कैपिटल फंड में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर कैपिटल फंड हम अमाउंट, यहाँ पे कैपिटल फंड का अमाउंट ओपनिंग बैलेंस जो हमारे सामने अभी अमाउंट दिखाई दे रहा है लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 8,64,000 है, 8,64,000 उसमें ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का जो अमाउंट है वो 1,00,000 है, 1,00,000 ऐड करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 9,64,000। बाद में जो भी डेफिसिट या कैपिटल में सरप्लस होगा वो कैपिटल में एडजस्ट करना होगा हमको।
देन नेक्स्ट यहाँ पर हॉस्पिटल रिसिप्ट दिए, तो हॉस्पिटल रिसिप्ट को हमें क्या करना होगा, हम इसे इनकम के अंडर में लिख देंगे। आई इनकम के अंडर में जाता है हॉस्पिटल रिसिप्ट, तो यहाँ पर इनकम की यहाँ पर हमको इसे आउटर कॉलम में बाय हॉस्पिटल, अगर यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करता है ना, आपको याद रखना है यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड यूज किया तो इनकम के अंडर में आ रहा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल वर्ड होता तो इसका मतलब वो है ना यहाँ पर लैबोरेटरीज के अंडर में आता, तो कैपिटल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो हॉस्पिटल रिसिप्ट आउटर कॉलम में हम 6 लैक्स लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट आएंगे हम पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में जैसे मेडिसिन एक्सपेंडिचर में आ गया, ऑनोरेरियम डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर, एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, तो तीनों हम एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 मेडिसिन $40,000 का आउटर कॉलम में, 2 ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मतलब डॉक्टर्स को जो फीस पे करते हैं, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हो या प्रोफेशनल्स को जो उनकी सर्विस चार्ज होती है, तो ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स को आउटर कॉलम में 3 लाख रुपीस, एंड उसके बाद में 2 एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मेंटेनेंस, $1,76,000। नाउ जो नेक्स्ट है यहां पर, अगर आप ये डबल कॉलम नहीं लोगे ना अमाउंट का, तो आराम से आपके पास स्पेस होती है, आप आगे तक लिख सकते हैं। ये डबल कॉलम अगर हम नहीं लेते हैं, ये डबल कॉलम हम एडजस्ट करने के लिए अमाउंट को, लेकिन अगर ये डबल कॉलम नहीं बनाया हमने और हम इनसाइड में भी मतलब है ना विदाउट लाइन ड्रॉ किया अमाउंट बिना लिखे इनसाइड में भी हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, तो इसको हमें एसेट्स के अंडर में लिखना है, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम एसेट्स के अंडर में आएगा हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, तो एसेट्स के अंडर में लिख लेंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, और इसको इनर कॉलम में अमाउंट को लिख लेंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, पहले के पुराना कोई इक्विपमेंट्स है नहीं हॉस्पिटल का, नहीं तो उसमें ऐड कर देते हम, तो यहाँ पर 1,20,000 का हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, एंड 1 लाइन लीव करेंगे। नेक्स्ट दिया फर्नीचर परचेज, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना है हमको फर्नीचर परचेज्ड वर्ड नहीं यूज करते तो भी चलता, क्योंकि पुराना कोई फर्नीचर तो है नहीं कि जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 लाख। देन दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसको उसका अमाउंट आउटर कॉलम में दिखा देंगे हम, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे 4 लाख का आउटर कॉलम में डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे अमाउंट इस तरीके से। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैश बैलेंस दिया है, तो हम कैश को भी एसेट्स के अंदर में आउटर कॉलम में 2,78,000 दिखा देंगे। अब आते हैं हम यहां से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 का दिया है, वो भी 2015-16, तो ये 2015-16 हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करो एंड एसेट्स में दिखाओ, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स में दिखाओ, ये इसका एडजस्टमेंट होता है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम थिंग्स को मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में लॉक हो जाए कि क्या करना है हमको। आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 भी लिखेंगे तो चलता है, या फिर आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं, तो 20,000 का आउटस्टैंडिंग, तो आउटर में अभी 4 लाख रुपीज हम दिखा देंगे। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जैसे एसेट्स के अंडर में हमको दिखाना है, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2015-16, आउटर में 20,000. नाउ नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है कि भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, और 1 अक्टूबर को परचेस हुआ है तो इसका मतलब यहां पर आपको डेप्रिसिएशन के लिए भी मैं कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री दिखानी है. तो सबसे पहले या आप ये स्टेटमेंट भी लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेकर भी, कि आपको ताकि याद रहे. ये आपको समझाने के लिए पॉइंट्स में लिखती हूँ. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर जब होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, आपको याद रखने हैं, बेटर रहेगा आपको याद रहे, बार बार रिपीट करने से याद हो जाएंगे. सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेकर हम लिखेंगे कि भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर इफेक्ट. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा? फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन द फर्स्ट इफेक्ट एड टू सब्सक्रिप्शन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड जो सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? शो ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ये आपको याद रखने की चीज है. करंट ईयर का जो होता है, तो यहाँ पे करंट ईयर है 2015-16 और ये 2015-16 का ही हमको बोला है. नाउ सेकंड जो है आपको याद रखने की बात है कि भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना और इसका इफेक्ट कैसे दिखाना है. तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स. ये एग्जाम में आप लोगों को ये लिख के नहीं देना, वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पार्ट्स तो करने होंगे. ये ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट्स टू रिमेम्बर एग्जाम में लिखना है. हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर फॉर 6 मंथ, क्योंकि जो परचेसिंग हुई 1 अक्टूबर 2015 को परचेसिंग हुई, तो 1 अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक जब आप कैलकुलेट करते हो तो 6 मंथ्स होता है. तो हॉस्पिटल शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, इक्विपमेंट्स इज इक्वल्स टू जो अमाउंट दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का, अमाउंट कितना है तो 1,20,000 का. तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसलिए 20/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 लेना है आपको. तो यहाँ पर 0 got cancelled with 0 and this 0 got cancelled with this. Then 2 ones are 2, 2 sixes are 12 and 6 ones are 6, 6 ones are 6 हो गया. तो अभी आपका कितना रह गया? 12,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपका आ गया. तो यहाँ पे ये 12,000 हमको डेप्रिसिएशन है ना, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो फर्स्ट इफेक्ट होगा सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करो, लेस फ्रॉम या सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट को हम लेस भी बोलते हैं, लेस फ्रॉम हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो कि एसेट साइड में है. एंड जो सेकेंड इफेक्ट आपको दिखाना है वो आएगा एक्सपेंडिचर्स के अंदर में, एक्सपेंडिचर अंडर एक्सपेंडिचर, इट विल कम अंडर एक्सपेंडिचर. सेम वे में आपको फर्नीचर फॉर 6 मंथ, फर्नीचर का भी आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, तो फर्नीचर ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये अभी सेकेंड पार्ट हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का. तो फर्नीचर
इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज इक्वल्स टू 1 lakh का फर्नीचर मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 सेम फॉर्मूला. तो यहाँ पर 0 गॉट कैंसिल विद 0 दिस 0 गॉट कैंसिल 6 1 2 1 2 2 6 12 6 1 6 एंड यहाँ पर आ गया 10,000. तो जो डेप्रिसिएशन आया वो 10,000 का फर्नीचर पर. तो इसका इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट जो इसका होगा वो होगा कि लेस फ्रॉम फर्नीचर जो कि एसेट्स के अंडर में होता है एसेट साइड. एंड सेकेंड जो इफेक्ट होगा शो ऑन एक्सपेंडिचर साइड. तो इनकम मैंने एक्सपेंडिचर में. अब हमें यहां पर ये जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स है इसमें से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%. तो यहां से 12,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 1,18,000 सॉरी 1,08,000 क्योंकि 12,000 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 होता है ना, तो 1,08,000 यहाँ पे आपको लिखना है. इसके बाद में यहाँ पर इसका इमीडिएटली इफेक्ट आप एक्सपेंडिचर के अंडर में भी प्रेजेंट कर दो कि टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स आउटर कॉलम में 12,000. नेक्स्ट यहां पर फर्नीचर को लेकर है तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%. तो 10,000 माइनस करना है, कैलकुलेट किया था हमने, तो यहां पर 90,000 आउटर कॉलम में हमको लिख देना है. एंड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के अंडर में ऑन फर्नीचर एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखा देंगे 10,000. इस तरीके से इफेक्ट आपको दिखाने हैं. नाउ नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप टू बी कैपिटलाइज्ड ऑलरेडी हम लिख चुके, देन डोनेशंस रिप्रेजेंट वो भी हम कर चुके, देन स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 30,000. तो इसको हम टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी. तो एक इफेक्ट आपका आ गया 30,000 का एक्सपेंडिचर के अंडर में. एंड दूसरा इफेक्ट आपको लिखना है लायबिलिटीज के अंडर में, क्योंकि ये बकाया है अभी तक पे नहीं किया है तो लायबिलिटी हो गई ना बिजनेस की, पे करना पड़ेगा. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये स्टाफ सैलरी है तो 30,000 यहां पर लिखेंगे. और इसको आपको इस तरीके से आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर में भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि भी याद रखिए कि स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग जब आता है यहां पे तो ऐड करने के लिए है नहीं, पहले से कोई स्टाफ सैलरी दिखाई नहीं दे रही है, नहीं तो हम ऐड करते. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आपको दिखाओगे आप एक्सपेंडिचर के अंडर में एक्सपेंडिचर अकाउंट अंडर एक्सपेंडिचर आप दिखा दोगे अगर पहले से कोई स्टाफ सैलरी होती तो उसमें ऐड करते हैं. सेकंड इफेक्ट आपको दिखाना है लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा, तो लायबिलिटीज के अंडर में आपको क्योंकि जवाबदारी है बिजनेस की देना तो पड़ेगा फ्यूचर में. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे डी है. नाउ जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या क्या दिया है देख लेते हैं हम यहाँ पर. अभी नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2015 की जो यहाँ पे लैंड की वैल्यू दी है, तो लैंड यहाँ पर हम लिख लेंगे. एक्चुअली कंपनी अकाउंट के हिसाब से लैंड एंड जो फिक्स एसेट्स होते हैं टॉप में हम दिखाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लैंड 10 लाख का लैंड का वैल्यू दिया है तो 10 लाख हम लिख लेते हैं. उसके बाद में यहाँ पर दिया है इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी हम ये सब, और आप अगर इनको पहले लिखते तो भी कोई इश्यू नहीं था,
2 लैक्स पहले ये एडजस्टमेंट के हिसाब से पहले इनको ले लेते, आप टॉप में लिख लेते तो कोई इशू नहीं है। नाउ इन्वेस्टमेंट 2 लाख लिख लिया। अभी बैंक लोन लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, लोन है ना, जैसे बैंक लोन हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, क्रेडिटर्स हुए, सब लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर 8 लैक्स, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है इसलिए क्रेडिटर्स एंड डेटर्स वर्ड नहीं आ रहा। देन एम्बुलेंस, ये एसेट्स है, तो ये हमको फिक्स्ड एसेट्स है इसके लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पर एम्बुलेंस को हम डेबिट इसमें एसेट्स के अंदर में दिखा देंगे कि भाई एम्बुलेंस का ये व्हीकल ही हो गई ना जो यूज आती है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस का अमाउंट जो है 4,10,000 यहाँ हम लिख लेंगे एसेट्स के अंदर। और कैपिटल फंड ऑलरेडी हम लिख चुके, तो मतलब सारे हमारे एडजस्टमेंट्स हैं वो हो गए हैं, सारे अमाउंट्स हमने है ना नोट डाउन कर लिए। अब हमारा क्या है टास्क, अब हमको क्लोज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। पहले क्लोज करना है, हमको देखना है कि भाई है ना डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, तो इसका टोटल करना होगा। तो जब हम टोटल करके देखेंगे, यहाँ पर हमको टोटल करना है कि आपका डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है। तो यहाँ पे जब टोटल करोगे तो ये जो साइड का है वो तो 10 लाख डायरेक्टली 10 लाख दिखाई दे रहा है कि भी 10 लाख आएगा। तो यहाँ कभी चेक कर लेते हैं, यहाँ अमाउंट ज्यादा है तो 0 0 0, फिर यहाँ पर 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 3 16, तो 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 3 4, तो 4,60,000 यहाँ पे सॉरी 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो 5,68,000, 5,68,000 आया। और आप देख रहे हो कि भी है ना क्रेडिट साइड का टोटल है वो 10 लैक्स है, तो क्रेडिट साइड मोर है, तो क्रेडिट साइड मोर होना मतलब सरप्लस होना, तो इसका मतलब हुआ कि भी सरप्लस है। तो यहाँ पे 10 लैक्स हम लिखेंगे एंड जो बैलेंसिंग फिगर है आप इसको डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका सरप्लस होगा। ये डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस माइनस करना है, तो 5,68,000 माइनस करना है आपको 10 लाख से, तो ये माइनस करोगे तो 4,32,000 आएगा। तो ये 4,32,000 आपका क्या हुआ, ये हुआ एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, ये है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये फिलअप के लिए काम आता है इसलिए मैं ये स्टेटमेंट भी आपको लिखवा रही हूँ कि टू एक्सेस ऑफ इनकम, जब इनकम ज्यादा होती है, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर तो है ना उसको सरप्लस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट है, जहां पर है ना इनका मोटो कोई भी है ना प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सर्विस देना होता है, लेकिन फिर भी इनके पास भी फंडिंग होती है ना, तो उसको मैनेज करना होता है इनको भी, राइट। तो यहाँ पर ये सरप्लस अब कहाँ जाएगा, तो ये कैपिटल फंड में, ये जो सरप्लस है ये हम कैपिटल फंड में लेके जाएंगे और यहाँ पर एड कर देंगे। तो एड सरप्लस, ये सरप्लस यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 4,32,000 हमको ऐड करना है। सम अप करेंगे तो 0 0 0 एंड 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, यहाँ पर आ गया 9 एंड फिर 9 प्लस 4 13, तो 13,96,000। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, तो अब हम बैलेंस शीट को टैली करने के लिए लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते पहले। तो 0 0 0 एंड यहाँ पर 6, यहाँ पर आया 6 एंड फिर उसके बाद में 9 प्लस 9, यहाँ पर 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 11 प्लस, यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट आएगा, ये पहले जीरो की लाइन आएगी, 0,000 के यहाँ पे जीरो आना है, एक यहाँ पर थाउजेंड्स के यहाँ पे 6 आना है एंड उसके बाद में 9 9 प्लस 2 होता है 11, यहाँ पर 9 प्लस 2 11 एंड 11 प्लस 3 होता है 15, यहाँ पर 15 एंड कुछ अमाउंट हमारा मिसिंग है क्या, एक सेकेंड जरा सा हम देख लेते कि 1,13,96,000, फिर 2,20,000, फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा नहीं है, वो मिस हुआ है हमारा, हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन को लिखा नहीं है यहाँ पर, ये जो है ना इमिडिएटली एडवांस सब्सक्रिप्शन को भी हमको लिखना था, वो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन
वो भले यहाँ पे दिया है रिसिप्ट के अंडर में, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का है तो हमको लाइब्रेटरीज के अंडर में इसको लिखना है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो क्वेश्चन पे ध्यान देनी है कि भी सारे एंट्रीज हो गई है ना, तो 60,000 यहाँ पर आएगा। अब आपको टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये हो गया 6, एंड फिर उसके बाद में 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 कितना होगा 14, 14 प्लस 6 कितना होगा 20, 20 का 0 कैरी ओवर किया है 2, कैरी ओवर हो गया 2, तो 2 प्लस 3 5, 5 हो गया, एंड 5 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 25 लाख 6,000 आएगा। 25 लाख 6,000 आपको यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा सा ओवरराइट हो गया है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको है ना, अगर ओवरराइट होता है तो कैंसिल मार के नीचे नीटली लिखिए, थोड़ा रब हो जाता है, क्योंकि क्या है बेटर है कि नए लाइन में लिख दो, ओवर राइटिंग से बेटर एग्जाम में आप भी नए लाइन में है ना अमाउंट को लिख देना है आपको। पहले तो आपको पेंसिल से ही करके देखना है। तो यहाँ पर 25 लाख 6,000 आपका टोटल लायबिलिटी साइड आया, तो सेम आपका एसेट साइड में भी आना चाहिए। तो उसके लिए आपको टोटल सम अप करना है, तो 0, फिर यहाँ पे 0 0, 8 प्लस 8 16, तो 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20, तो 20 का 0 कैरी ओवर यहाँ पर होगा 2, 2 प्लस 1 3 3 3, 3 प्लस 4 कितना होगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 प्लस 2 करेंगे तो 11, 11 11 प्लस यहाँ पर एक बार टोटल को वापस देख लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 आ गया, तो 25 लाख 6,000 यहाँ पर आपका टोटल आएगा। तो मतलब आपका एसेट साइड भी टैली हो गया, एसेट साइड भी सेम अमाउंट आ गया, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, तो आपका सम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सम करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालना होगा, ऐसे ही होने वाला नहीं है, मेहनत करनी होगी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। एंड आपको पॉइंट्स टू रिमेम्बर के भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।